बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। और कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा, चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसकी कटिंग कर ली है। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनकी कटिंग कर ली है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। 5 से 6 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है जो कि इसमें यूज़ होगा कढ़ी में। 1 कटोरी मैंने ऑयल की ली है। और यहाँ पे हमारे पास 1 केजी दही है। ये 1 दिन का पुराना दही है, खट्टा दही। आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, इससे आपकी कढ़ी बहुत अच्छी तैयार होगी। और स्पाइसेस में जो चीज़ें डलेंगी उसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। तो चलें आप कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की हांडी ली है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर हम कढ़ी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम हांडी के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 कटोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज का कटिंग किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो रहा है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लस्सी बना लेते हैं। लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल में हम 1 किलो दही ऐड करेंगे। इस कोटने की मदद से हम अच्छी तरह से दही को फेंट लेंगे ताकि इसमें जितने भी गुठलियाँ हैं वो सारी हल हो जाएं। जी तो अब आप देख सकते हैं कि तमाम दही के अंदर जितनी भी गुठलियाँ थी वो अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी हैं। और अब हम इसके अंदर एक छोटे मीडियम साइज़ का बाउल ये वाला भर के पानी का ऐड करेंगे और इसको फिर अच्छी से अच्छी तरह फेंट लेंगे। जी तो अब आप देख सकते हैं कि लस्सी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर से थोड़ी सी लस्सी निकाल के और उसके अंदर बेसन को हल कर लेंगे। इस कटोरे में हम थोड़ी सी लस्सी निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम बेसन को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। ये 6 टेबल स्पून बेसन हम इसके अंदर अच्छे से हल कर लेंगे। जी तो अब आप देख सकते हैं कि बेसन हमने लस्सी के अंदर अच्छे से हल कर लिया है। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज भी जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, 1 एंड 2। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई भुनेंगे। जी तो 2 से 3 मिनट अच्छे से हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट अच्छे से हो चुके हैं स्पाइसेस को भूनते हुए। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का कटिंग किया हुआ। 5 से 6 कटिंग की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर और हरी मिर्चें अच्छे से गल नहीं जाती और हमारा मसाला अच्छे से और नहीं छोड़ देता। तब तक हम इसको अच्छे से 20 से 25 मिनट भूनेंगे। ये तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून चुका है। 20 से 25 मिनट हमने इसको अच्छे से भूना है। तमाम टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे जो कि हमने लस्सी में घोल के रखा हुआ था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके साथ ही जो लस्सी हमने बना के रखी हुई थी 1 किलो दही की, वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि हमने जो लस्सी है वो के अंदर ऐड कर दी है मसाले में। अब हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो हम इसकी जो फ्लेम है वो स्लो कर देंगे और इसको पकने के लिए 1 घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे धीमी आंच पे, ताकि हमारी कढ़ी अच्छे से तैयार हो जाए। जी तो अब आप देख सकते हैं कि कढ़ी में अच्छे से बॉयल आ चुका है और अब हम इसको कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे, ताकि हमारी कढ़ी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो अब मैं आपसे 1 घंटे के बाद मिलती हूँ। जी तो अब आप देख सकते हैं कि कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब बारी आती है इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया डालने की। तो ये कसूरी मेथी हम इसके अंदर डालेंगे और साथ ही ये हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो अब हम इस चमचमाते हुए डोंगे में कढ़ी को डिश आउट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार ये तैयार हुई है। आप लोग भी ज़रूर बनाएं इसको मेरी रेसिपी के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक। जी तो अब हम इसके अंदर ये पकोड़े ऐड करेंगे। अगर आप पकोड़ों की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वो भी मौजूद है, कुकिंग विद एक्सपर्ट चैनल पे जाकर आप मेरे चैनल पे लिखेंगे पकोड़ा रेसिपी तो आप लोगों को पकोड़ों की रेसिपी मिल जाएगी। मैं आप लोगों को पकोड़ों की रेसिपी आज नहीं दे पाई और मैंने कढ़ी की फुल वीडियो जो है वो आप लोगों को रेसिपी दी है इसकी। तो अब हम इसके अंदर पकोड़े ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब ये कढ़ी तैयार हुई है, आप देख सकते हैं।
ऊपर हल्का सा हरा धनिया डालेंगे। जी तो अब आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी की फाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल जाए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलूँगी एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.